तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आईसीयू के ऊपर होने वाला है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताना चाहूंगा कि पहले मैंने एक एक करके जितने भी सारी आईसीयू आती है मोबाइल फोन के अंदर, जो मोबाइल फोन को चलाती हैं, अगर आप मोबाइल फोन की बात करेंगे मोबाइल फोन को चलाने के लिए कई सारी आईसीयू होती है जिनका बहुत अहम रोल होता है, जो पूरे मोबाइल फोन को चलाती हैं। जिसमें से जैसे कहते हैं ना, एक एक आदमी है, उस आदमी को चलने के लिए उसके शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो उसको चलाते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, नाक, पेट, मुंह, आंख, कान, नाक। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को चलाते हैं। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए बेसिकली तौर पर देखा जाए तो 13-14 तरह के कंपोनेंट्स बने हैं जो पूरे मोबाइल फोन को सप्लाई कनेक्शन करने के काम आते हैं। लेकिन जहां पर कंट्रोलिंग की बात आती है, चलाने की बात आती है, तो वहां पर चलाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो पूरे मोबाइल फोन को कंट्रोल करती है, मोबाइल फोन को चलाती हैं। तो आज दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आईसी के ऊपर ही होने वाला है। और आईसी के बारे में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर जितने भी ये सारी आईसी होती है वो सारी आईसी आपस में कनेक्टेड कैसे होती है और कैसे काम करती है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको वीडियो आपको देने वाले हैं, ताकि आप लोग जितने भी सारी आईसी हैं सारी आईसी को आप अलग अलग करके पढ़ चुके हो, अब पहचानना भी पड़ चुके हो कि ये मोबाइल फोन में सीपीयू है, ये भाई एमएमसी है, ये पावर है, ये चार्जिंग है, ये पीएफओ है, डब्ल्यूटीआर है, आरएफ है, ये सारी आईसीओ के बारे में पढ़ चुके हो। लेकिन आज जो आप टॉपिक में समझने वाले हो कि आईसी की कनेक्टिविटी कैसी होने वाली है, कि ब्लॉक डायग्राम आप आईसी की, मतलब आईसी का ब्लॉक डायग्राम क्या होने वाला है, कि आईसी आपस में कनेक्टेड कैसे होती है, या आईसी का कनेक्शन कैसे होता है, मतलब आईसी आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, ये कहने वाली बात। तो हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए जो आईसी होती है, सबसे पहली आईसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू आईसी, उसके बाद दूसरी आईसी होती है एमएमसी आईसी, इसके बाद तीसरी आईसी होती है मोबाइल फोन में पावर आईसी, चौथी आईसी होती है मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी, पांचवी आईसी होती है मोबाइल फोन में पीएफओ आईसी जो मोबाइल फोन में नेटवर्क लाने का काम करती है, छठवीं आईसी होती है मोबाइल फोन में डब्ल्यूटीआर नेटवर्क आईसी, उसके बाद सातवीं आईसी होती है आपके मोबाइल फोन में लाइट आईसी, आठवीं आईसी होती है आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आईसी, आपके मोबाइल फोन में लगी होती नवीं आईसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगर आईसी, दसवीं आईसी होती है आपके मोबाइल फोन में वाईफाई के लिए यूज होती है वाईफाई आईसी। इस तरीके से मोस्टली ये हमारे मोबाइल फोन के मेन कंट्रोलिंग आईसी होती हैं जो पूरे मोबाइल फोन में अलग अलग तरीके के सर्किट को चलाते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो आपके मोबाइल फोन में इन सारी आईसीओ का स्टेप बाय स्टेप रोल रहता है। ये सारी आईसी मिल करके ही पूरे मोबाइल फोन को आपके क्या करती हैं, चलाती है। अगर आपका पूरा मोबाइल फोन काम करता है तो ये सारी आईसी से मिल करके ही काम करता है। अब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सारी आईसी की आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका काम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है ताकि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहां पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, पूरा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाया जाता है, रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। आप ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फोन को बनाने का, रिपेयर करने का तरीका आप आसानी से सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में और आगे का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और सारी आईसी काम कैसे करते हैं उसका तरीका मैं आपको समझाता हूं। तो ये हमने लिया, अपने स्क्रीन को कर दिया छोटा, अब ये आपस में इनका कनेक्शन कैसे होने वाला है, इसके टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मोबाइल फोन में होता क्या है। अच्छा दोस्तों, जितनी भी सारी मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको और भी ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे, ताकि अगर हम लोग अगर आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी तक फर्ज बनता है कि
कि आप एक अच्छा सा मैसेज करें और वीडियो को शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती तो पूछें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर। तो हमारे टॉपिक में क्या है कि आज मोबाइल फोन में आईसी का कनेक्टिविटी कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन में लगा होता है चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक से सप्लाई 5 वोल्ट एंटर होती है, उसका एक लाइन ग्राउंड होता है। ये 5 वोल्ट सप्लाई आपकी जो पहुंचती है, ये चार्जिंग आईसी तक पहुंचती है। इस चार्जिंग आईसी को BQ नाम से भी बोलते हैं, PMI नाम से बोलते हैं, ऐसे नाम से आप कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये सप्लाई जब चार्जिंग आईसी यहाँ तक पहुँच जाती है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पहुँचने के बाद फिर यहाँ से जो करंट आपका निकलता है, ये एक आउटपुट निकलता है जो VBAT सप्लाई बोलते हैं। ये सप्लाई तुम्हारी बैटरी कनेक्टर पर जाती है, जिससे तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है और आपके मोबाइल फोन में बैटरी में वोल्टेज पहुँचता है। उसके बाद जो चार्जिंग आईसी होती है, ये अपने पास से जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए अपने से एक और वोल्टेज जनरेट करती है, जिसको हम लोग VPH या VCC नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो वोल्टेज आ रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं VBUS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? VBUS। ये जो सप्लाई होती है 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो आपकी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई होती है 4 वोल्ट की सप्लाई होती है। उसके बाद ये जो आपका VPH सप्लाई होती है, ये 3.7 वोल्ट की सप्लाई होती है। मैं आपको सप्लाई भी क्लियर करते चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। उसके बाद जब 3.7 वोल्टेज सप्लाई होती है, ये तुम्हारी 3.7 वोल्टेज सप्लाई जाती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी क्या काम करती है? पावर आईसी उस सप्लाई को लेती है, उस सप्लाई को लेने के बाद अंदर पहुंच जाती है। पावर आईसी क्या काम करती है कि इस सप्लाई को लेने के बाद सबसे पहली बार जो सप्लाई आपको रिलीज करती है, वो तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच पॉइंट के लिए रिलीज करती है। ये ऑन ऑफ स्विच के लिए जो सप्लाई आती है, ये 1.8 से लेकर के 3.7 वोल्टेज तक होती है। पावर आईसी फिर अपने पास से और वोल्टेज, सबसे पहले जो वोल्टेज रिलीज करती है, वो आपकी वोल्टेज रिलीज करती है सीपीयू के लिए। सीपीयू के लिए सप्लाई जाती है, जिसको हम लोग वी कोर नाम से सप्लाई बोलते हैं। ये सप्लाई होती है तुम्हारी 1.8 या 2.8 वोल्ट है। फिर उसके बाद पावर आईसी अपने पास से दो सप्लाई और जनरेट करती है। ये सप्लाई तुम्हारी जाती है MMC आईसी के लिए। फिर CPU और MMC का आपस में डाटा का जो होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिससे हमारे मोबाइल फोन में ग्राफिक जनरेट होता है। और ये ग्राफिक जनरेट होने के बाद आपके ऊपर लगी होती है LCD। जिसमें आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आते हैं। दूसरी बात का, LCD को चलने के लिए भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जो आपके वोल्टेज आते हैं पावर आईसी के माध्यम से। उसके बाद ये जो VPH सप्लाई होती है, ये VPH सप्लाई निकलती है, और ये सप्लाई क्वाइल के माध्यम से आपके जाती है लाइट आईसी के अंदर। लाइट आईसी फिर सप्लाई को जनरेट करती है, और यह सप्लाई तुम्हारी जनरेट होने के बाद ये पहुंच जाती है LCD के अंदर। जब LCD के अंदर सप्लाई पहुंच जाती है, तब आपके मोबाइल फोन में लाइट के लिए भी वोल्टेज आते हैं, ग्राफिक के लिए भी वोल्टेज आते हैं। ग्राफिक आते हैं तब आपके मोबाइल फोन में चित्र क्रिएट करता है, तब आपके मोबाइल फोन में पिक्चर, इमेजेस, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये मोबाइल फोन में आपस में कनेक्टिविटी होती है। ये सप्लाई सेक्शन की कनेक्टिविटी है, जिससे आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है। जब आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है, मोबाइल फोन चालू होने के बाद फिर पावर आईसी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिन चीजों को चालू करती है। जैसे सबसे पहली बात, ये जो VPH वोल्टेज होते हैं, यही VPH वोल्टेज तुम्हारे नेटवर्क सेक्शन के लिए भी जाते हैं। नेटवर्क सेक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। नेटवर्क के लिए सबसे पहले आपका एंटीना लगा होता है। एंटीना से सिग्नल आता है। इस सिग्नल के आगे एक गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एंटीना नाम से भी जानते हैं।
ये इंटरनल रिटेनर, तो फिर सिग्नल आपका चला जाता है पीएफओ आईसी के अंदर। अब पीएफओ आईसी जो होती है, पीएफओ आईसी को काम करने के लिए चाहिए होता है वोल्टेज। पीएफओ आईसी को काम करने के लिए यहां पर वीपीएच के वोल्टेज चाहिए होते हैं। ये वोल्टेज होते हैं 3.7। ये 3.7 वोल्टेज जब तुम्हारे पीएफओ आईसी तक पहुंच जाते हैं, तब पीएफओ आईसी को एक्टिव हो जाती है। उसके बाद फिर आपका लगा होता है 4G PFO। 4G PFO को काम करने के लिए भी सेम इसी तरीके से वोल्टेज चाहिए होते हैं। जब तुम्हारा 4G PFO तुम्हारा एक्टिव हो जाता है, उसके बाद 4G PFO जो पीएफओ होता है, इससे हमारे दो सिग्नल निकलते हैं। एक सिग्नल होता है आरएक्स, दूसरा सिग्नल होता है टीएक्स। ये आरएक्स टीएक्स सिग्नल जो होते हैं, ये आपके आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद ये सिग्नल तुम्हारे चले जाते हैं WTRIC के अंदर, या आप इसको नेटवर्क आईसी भी कह सकते हैं। अब ये नेटवर्क आईसी से सिग्नल जो निकलते हैं, ये सारे सिग्नल आपके चले जाते हैं सीपीयू की ओर। उसके बाद ये मोबाइल फोन में इस तरीके से नेटवर्क सेक्शन क्रिएट होता है, नेटवर्क सेक्शन काम करता है। WTRIC होती है, इस WTRIC को काम करने के लिए भी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये WTR को जो वोल्टेज होते हैं, ये हमारे वोल्टेज आते हैं पावर आईसी के माध्यम से। ये WTR को वोल्टेज आते हैं जिससे हमारी WTRIC एक्टिवेट होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो पावर आईसी होती है, पावर आईसी अपने पास से और भी बहुत सारे ऐसे कनेक्शन होते हैं, जिस सारे कनेक्शन को हमारी पावर आईसी क्या काम करती है, चलाती है। जैसे आपका स्पीकर चलेगा, आपका रिंगर चलेगा, आपका माइक चलेगा, हैंड फ्री चलेगा, वाइब्रेटर चलेगा, टच के लिए सप्लाई है, टच के लिए सप्लाई सीपीयू से भी जाती है, लेकिन पावर जितने भी सारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को अलग अलग तरीके के वोल्टेज देती हैं। तो ये आपके मोबाइल फोन में जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है, और इस तरीके से मोबाइल फोन में सारी आईसियां जो होती हैं, वो सारी आईसी मिलजुल करके काम करती है, क्योंकि सब आईसी का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। जब उसका पर्टिकुलर रोल है, उस पर्टिकुलर रोल के अकॉर्डिंग ही वो काम करती हैं, उनका वर्किंग होता है, और वो सब एक दूसरे से काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई आईसी एक दूसरे से अलग हो, सारी एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन होता है। सब सीपीयू का काम होता है कि सीपीयू को सबसे काम कराना, और सबसे कैसे काम कराना, सबको कमांड देना। तो सीपीयू को कनेक्टिविटी मोस्टली जितनी भी सारी आईसी होती है, सारी आईसी पर जाती है। उसके बाद पावर आईसी का काम होता है कि जितने भी मोबाइल फोन के अंदर सर्किट होते हैं, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर सेक्शन होते हैं, या मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारी चीजें काम कर रही होती हैं, तो सब चीजें पावर आईसी उनको सप्लाई देने का काम करती है, जिससे वो सारी चीजें एक्टिवेट हों, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से काम करें। उसके बाद मोबाइल फोन में मेन सप्लाई जो होती है, वो आपकी वी बस, वी बैट और वीपीएस सप्लाई होती है, जो मोबाइल फोन को सप्लाई देने का काम करती है, ताकि मोबाइल फोन के जितने भी सारे सेक्शन हैं, या जितने भी सारे सर्किट हैं, वो सारे सारे सर्किट आपस में मिल करके एक्टिव हो सके। तो ये आपके मोबाइल फोन में, ये बोर्ड में अंदर आईसीओ का ब्लॉक डायग्राम होता है, कि वो सारी आईसीएं एक दूसरे से मिलकर के इस तरीके से काम करती हैं, और उनका काम करने का ये प्रिंसिपल होता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कितने भी जो भी मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी होती है, वो सारी आईसी एक दूसरे से मिलकर के कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आपकी जो पीएफओ आईसी है, वो तुम्हारी आईसी ये चार्जिंग आईसी से कनेक्ट हो जाएगी, ये तुम्हारी पीएफओ आईसी है तुम्हारी एमएमसी आईसी से जाकर के कनेक्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सब चीज़ों का एक इंटरनल कनेक्शन है, और इंटरनल कनेक्शन का एक वे बना है, एक रूल्स बना है, कनेक्टिविटी का तरीका बना है, उस कनेक्टिविटी के तरीके से ही उनका कनेक्शन होता है। अब चलिए इसी बात को हम लोग दोस्तों बोर्ड में देखते हैं, पीसीबी में देखते हैं कि पीसीबी में हम इसको कैसे पहचानेंगे, और पीसीबी में कैसे पहचान करके हम लोग इसको आसानी के साथ में चेक कर सकते हैं, और एक एक करके इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में सारी आईसीओं की एक बार पहचान भी कराता हूँ, और पहचान कराने के साथ साथ इसको मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पर।
ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बोर्ड में पूरी आपके सामने मैंने इमेजेस ओपन कर ली है। देखिए सबसे पहली बात क्या, जनरली मैं इस बोर्ड के अंदर जो भी सारी आईसी हैं, सारी आईसी के बारे में आपको पहचान करा देता हूँ। ये आपके बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्वालिकॉम लगा है, तो ये आपके मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी है, ये एमएमसी आईसी है, ये आपका पावर आईसी लगा हुआ है, और आपके बोर्ड में ये आपका अलग से पूरा सेक्शन है, तो आप इसको वाईफाई सेक्शन भी कह सकते हैं। और ये आपके मोबाइल फोन में एंटीना लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, तो ये आपका पीएफओ आईसी है, ये तुम्हारा जो आईसी लगा है, ये तुम्हारा डब्ल्यूटीआर आईसी है, नेटवर्क के लिए जो यूज हो रहा है। उसके बाद ये जो पीएफओ लगा है, ये तुम्हारा फोर, ये क्योंकि नेटवर्क जो लगा हुआ है नेटवर्क का है, तो नेटवर्क सेक्शन के जस्ट पीछे अगर हम बोर्ड को पलट देते हैं तो ये लगा हुआ है, तो ये मतलब ये 4G के लिए पीएफओ लगा हुआ है। तो ये आपके मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो ये सारी आईसी होती हैं। आप देखिए, मैं सारी आईसी की जो कनेक्टिविटी होती है, वो सारी आईसी की मैं कनेक्टिविटी आपको समझाता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके बोर्ड में आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहली बात, मोबाइल फोन में होता क्या है कि अगर आप मोबाइल फोन में देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन में ये एलसीडी कनेक्टर लगा है, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, और ये आपके मोबाइल फोन में यूआई कनेक्टर लगा हुआ है, और इसी कनेक्टर में जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से वैसे फिलहाल हटा दिया है, ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पर लगा था। मोबाइल फोन में होता है क्या है कि जब भी आप मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग से सप्लाई आएगी, चार्जिंग से सप्लाई आपके कहाँ पर जाएगी, चार्जिंग आईसी पर जाएगी, तो हमको ये जाली खोलनी पड़ेगी, चार्जिंग आईसी इसके अंदर भी हो सकती है। देखिए, ये आपको मोबाइल फोन में बताना चाहूंगा, ये आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी लगी है, और आपके मोबाइल फोन में ये जो आईसी लगी है, ये आपके चार्जिंग के लिए कंट्रोलर एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो चार्जिंग के लिए सप्लाई जब आप यहाँ पर डालेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए आपके इस आईसी पे जाएंगे, इस आईसी से आपके वीपीएच लाइन क्रिएट होगी, वीपीएच लाइन क्रिएट होने के बाद वीपीएच लाइन और भी जितने भी सारे सर्किट्स होते हैं, सारे सर्किट को चालू करेगी। इसी के अंदर लाइट आईसी भी है, क्योंकि कॉइल लगा है, डायोड लगा है, तो ये लाइट के लिए, तो वीपीएच वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होंगे। ये वीपीएच वोल्टेज जनरेट होने के बाद ये सबसे पहले वोल्टेज तुम्हारे पहुंचेंगे पावर आईसी के लिए, ये पावर आईसी। पावर आईसी जब अपने अंदर वोल्टेज ले लेगी तो पावर आईसी क्या करेगी, अपने पास से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज को आउटपुट करेगी। पावर आईसी का काम क्या होता है कि अपने पास अंदर 3.7 वोल्टेज को ले लेना, और उनको क्वाइल्स के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज को बाहर निकालना, जिसमें तो कुछ वोल्टेज ऐसे होते हैं कि जो पावर आईसी से निकलते हैं, पावर आईसी के अंदर ही घुस जाते हैं, जिनको हम बक सप्लाई कहते हैं। उसके बाद फिर ये सप्लाई और भी मोबाइल फोन में अदर अदर जितने भी सारे सर्किट्स होते हैं, सारे सर्किट को सप्लाइयाँ हमारी क्या काम करती हैं, ऑन करती हैं, जिसमें से तो तुम्हारा सीपीयू हो गया, या तुम्हारा एमएमसी हो गया, या पीएफओ हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सभी चीज़ों के लिए वीरे के वीआईओ इनपुट सप्लाई हमारी जाती है, जिससे वो सारी चीज़ें इनेबल होती हैं। उसके बाद जब ये काम एक्टिव हो जाएंगे तो फिर उसके बाद सीपीयू और एमएमसी ये सब लोग काम अपना स्टार्ट करते हैं, और आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक क्रिएट करते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले आता है। फिर उसके मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में पीएफओ लगा होता है, पीएफओ को काम करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज आते हैं 3.7 वोल्टेज, जिससे तुम्हारे पीएफओ आईसी एक्टिव होती है, पीएफओ आईसी काम करती है, फिर अपने अंदर से आरएक्सटीएक्स सिग्नल को जनरेट करती है। वो आरएक्सटीएक्स सिग्नल जो होते हैं, वो तुम्हारे डब्ल्यूटीआर आईसी पे जाते हैं। अब डब्ल्यूटीआर आईसी है, डब्ल्यूटीआर आईसी को भी काम करने के लिए वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो डब्ल्यूटीआर आईसी पर यहाँ पर वोल्टेज आते हैं, जिससे डब्ल्यूटीआर आईसी भी काम करना स्टार्ट करती है। इसको काम करने के लिए 1.1 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज, इस तरीके से अलग अलग सप्लाईयों में अलग अलग वेरियस वोल्टेज आते हैं, जिससे आपके डब्ल्यूटीआर आईसी या नेटवर्क आईसी ये चालू होती है। फिर नेटवर्क आईसी क्या काम करते हैं, उन सिग्नल को कन्वर्ट करके फिर सीपीयू को देती है, जिससे हमारा सीपीयू उन मोबाइल फोन को नेटवर्क के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में इन सब आईसीओ को काम करने का इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और आईसी काम करती है। अच्छा, आईसी के पास कोई भी आईसी लगी होती है, उस आईसी के पास में जितने भी मोटे मोटे अगर कैपेसिटर दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन कैपेसिटर के माध्यम से आईसी के अंदर सप्लाई आने वाली है। क्योंकि आईसी के अंदर जब भी सप्लाई आती है तो कंपनी क्या काम करती है, उसके पास में उसके वोल्टेज के साइज के हिसाब से या वोल्टेज के वर्किंग के हिसाब से वहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, अगर यहाँ पर मान लिया 1.5 वोल्ट आने वाला है, तो कंपनी यहाँ पर 5 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएगी।
अगर यहाँ पर 3.7 वोल्टेज आने वाला है तो कंपनी यहाँ पर 15 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएगी, 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएगी, मतलब अपने से जस्ट 2 गुना से ज़्यादा प्लस करके कैपेसिटर को लगाती है, जिससे कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करना और इसको उतनी सप्लाई को फिक्स करके देना। तो ये आपके मोबाइल फोन में बोर्ड के अंदर जितनी भी सारी आईसी होती हैं, सारी आईसी को मैंने उनका काम कनेक्ट करने का तरीका, उनका कनेक्टिविटी का तरीका, उनको वर्किंग का तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब दोस्तों आपके पास जो भी मोबाइल फोन आएंगे उन सारे मोबाइल फोन में इस तरीके से आप बोर्ड में समझेंगे कि आपकी कौन सी आईसी है, उस आईसी की कनेक्टिविटी क्या है और आईसी का आपस में कनेक्शन कैसे है, इंटरनल कनेक्शन कैसे है, जिससे आप मोबाइल फोन को आसानी के साथ में चेक कर पाएंगे और आसानी के साथ में उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी सारे मोबाइल फोन के अंदर मैंने आपको आईसी पढ़ाई थी, सीपीयू, पावर, चार्जिंग, नेटवर्क, डिस्प्ले, नेट या WTR, RF, ग्राफिक या लाइट, जितने भी सारी मैंने आपको आईसी बताई थी, सारी आईसीओ का आपस में काम करने का तरीका, उनका कनेक्टिविटी का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है। और आगे के दोस्तों की वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा कि मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन फॉल्ट को डायग्नोज कैसे करते हैं, मतलब मोबाइल फोन में आने वाली कमी को ढूंढने का तरीका क्या होता है, फॉल्ट को डायग्नोज कैसे किया जाता है, एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे ठीक करेंगे। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये जो सारे फॉल्ट्स मैं लेकर के आने वाला हूँ इसके वीडियो मैंने पहले भी कई बार डाले हुए हैं, लेकिन इस बार जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो मैं आपको सिमेटिक के माध्यम से एक एक करके समझाने वाला हूँ, ताकि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो आप उस फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बोला है कि सर मैंने बोर्नियो सिमेटिक वगैरह है इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ले रखा है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता और इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को ठीक नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको वो तरीका आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो आप इजीली सारे मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को आप डायग्नोज कर सकते हैं या आने वाले फॉल्ट को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल से जुड़े रहें, मैसेज करें, और अगर इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।